सकते हैं दो अंकों की संख्या का, ठीक है। जैसे देखिए 12 है, 12 का क्यूब मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे 20 से डिवाइड करते हैं, फिर इसका क्यूब लिखते हैं, एक का क्यूब लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका वर्ग करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक का वर्ग गुणे दो करेंगे, फिर एक गुणे दो का वर्ग लिखेंगे, ठीक है, फिर इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए इसे कब विस्तार कर लेते हैं, इसका हो जाएगा एक, हो जाएगा एक दो हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम छोड़कर इसका डबल करके लिख कर भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका डबल कितना होगा 8 होगा, इसका डबल कितना होगा 4 होगा, ठीक है। फिर इसे हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2 6 6 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 28, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा 17 28 आ जाएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं।